गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा टॉपिक चल रहा था बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजटरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमने बजट के एसेंशियल फीचर्स पढ़ लिए थे। आज हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ बजट की। पहला हमारा बजट का टाइप है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट जो होता है वो तुम्हारी ये कैलकुलेट करने के लिए कि तुम्हें इस मंथ या इस ईयर या फिर इस क्वार्टर में कितनी नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम इसका यूज करोगे प्रोडक्शन बजट का। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी इतना तो करना ही करना है। अब देखो यहां पर प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर या फर्स्ट मंथ कह सकते हैं, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ओके। फिर क्या करना है तुम्हें सेल्स की अमाउंट लिखने के बाद में प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक जो तुम्हारे पास में क्वेश्चन में गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक उसको ऐड करना है। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो तुम्हारा आंसर आएगा वो होगा प्रोडक्शन यूनिट, यानी इतनी यूनिट तुम्हें प्रोडक्शन अभी भी करनी है इस ईयर इस मंथ में, ओके। ये तुम्हारा क्या हो गया प्रोडक्शन बजट। सेकंड तुम्हारे पास में सेल्स बजट। सेल्स बजट बनाया जाता है परचेज बजट बनाया जाता है। परचेज बजट इज द फोरकास्ट ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज ड्यूरिंग द बजट पीरियड, यानी कि परचेज बजट इसलिए बनाया जाता है कि हम ये फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, हमें पता लगाना चाहता है कि इस बजट पीरियड में इस साल में हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी या इस मंथ के लिए हमारे को नॉर्मल कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं परचेज बजट बनाते हैं। यानी कि कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, कितना फिनिश्ड गुड्स हम परचेज करना है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा बजट बनता है तुम्हारा परचेज बजट। परचेज बजट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर ईयर या मंथ जो भी हो, जिस भी क्वेश्चन में गिवन होगा तुम्हें ईयर में निकालना है, मंथ में निकालना है। फिर तुम्हारे को क्या करना है सेल्स या फिर रिक्वायरमेंट्स, या तो सेल्स गिवन होगी या फिर रिक्वायरमेंट्स गिवन होगी, प्लस करना है क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ मटेरियल जिसे अपन बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक एड करना है, और लेस करना है ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा परचेस। अब देखो तुम्हारे पास अब तुमने कौन से पढ़ लिया, तो प्रोडक्शन बजट पढ़ लिया और एक परचेज बजट पढ़ लिया। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है वो किसका है बताइए देते हैं। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फोर मंथ, यानी कितने मंथ के अंदर है चार मंथ के लिए, इफ ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट मंथ इज 400, यानी कि कह रहा है कि अगर मेरा चार मंथ का तुम प्रोडक्शन बजट बनाइए और उसमें ओपनिंग बैलेंस स्टॉक जो है फर्स्ट मंथ का वो कितना है 400। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास में प्रोडक्शन का फॉर्मेट बना हुआ है, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूं। ये कह रहा है चार मंथ का, तो हमारे पास फॉर्मेट कितने मंथ का बना हुआ है 3 मंथ का। हम इसको रफ करके एक मंथ और आगे बढ़ा देते हैं। ये तुम्हारा हो गया फोर मंथ, ओके। अब यहां देखो तुम्हारे पास फर्स्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में, इसने कहा है कि फर्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 400, यानी कि फर्स्ट मंथ फर्स्ट ईयर ये तुम्हारा हो गया मंथ फोर्थ। अब मंथ फर्स्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास 400, यहां पर एज इट इज लिख दो कि 400 हमारा क्या हो गया फर्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो तुम्हारे पास नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है पर्टिकुलर फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ। फर्स्ट मंथ का इसने कहा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 500, तो यहाँ पर तुम्हारे पास है पहले तुम्हें क्या चाहिए फर्स्ट मंथ के लिए सेल्स चाहिए, तो देखो सेल्स कितनी है फर्स्ट मंथ की 3000, तो यहाँ पर लिख दो सेल्स की जगह सेल्स के सामने 3000। अब इसमें एड क्या करना है तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट मंथ, क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट मंथ का कितना है 500, ये तुम्हारा हो गया 500, यानी तुम्हारे पास में भी टोटल कितने आ गए 3500। और क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक हमें कह दिया गया था क्वेश्चन में कि फर्स्ट मंथ का कितना है 400, तो
कितना हो गया तुम्हारा 3500 माइनस 400 यानी कि 3100 तुम्हारा क्या आ गया प्रोडक्शन आ गया फर्स्ट मंथ का, यानी कि फर्स्ट मंथ में कितना प्रोडक्शन करना हुआ 3100। अब यहां देखो सेकंड मंथ की बात कर लेते हैं, सेकंड मंथ का सेल्स कितनी दी हुई है, सेकंड मंथ की सेल्स दी हुई है तुम्हारे पास में 5000, तो यहां पर एज इट इज पुट कर सकते हैं 5000। हमारे पास सेकंड मंथ की क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना 1100 यानी 1100 ये अपन ने पुट कर दिया। ओके तो तुम्हारे क्या करना है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 6100। अब तुम्हें इसमें से लेस करना है ओपनिंग स्टॉक, बट क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस ईयर क्या होगा तुम्हारे लिए ओपनिंग, इसका मीन्स अगर मेरे पास फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग अगर अवेलेबल है 500 तो इस मंथ का ओपनिंग कितना हो जाएगा सेकंड मंथ का 500, तो यहां पर तुम्हारा ये कितना आ गया 500। ओके तो यानी कि तुम्हें पता है कि जब लास्ट मंथ का क्लोजिंग इस मंथ का क्या होता है तुम्हारा ओपनिंग, तो यानी कि यहाँ के क्लोजिंग बैलेंस को अपन क्या मानते हैं कि इस मंथ का क्या हो गया तुम्हारा ओपनिंग, यानी कि मैं ये कहूँ कि मंथ जैन ये हो गया फेब ये हो गया। अब जैन मंथ का क्लोजिंग फेब मंथ के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग, तो हमने यही किया कि जैन मंथ के क्लोजिंग को फेब मंथ का क्या मान लिया ओपनिंग स्टॉक, तो तुम्हारे को उसमें से लेस करना है 6100 माइनस 5000 यानी कि 5600। ओके अब तुम्हारे को थर्ड मंथ कौन सा है, थर्ड मंथ की सेल्स देखनी पहले, थर्ड मंथ की सेल्स कितनी है 2000 यूनिट, तो अपन को क्या करना है 2000 यहां सेल्स के सामने लिख देते हैं, फिर तुमको प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड मंथ का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 300, ये तुम्हारा हो गया 300, कितना हो गया 2300। अब इसमें क्या करना है क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस को लेस करना है, तो तुम्हें पता है वापस फिर से फेब मंथ का क्लोजिंग मार्च मंथ का ओपनिंग, तो फेब का क्लोजिंग कितना है 1100, तो तुम्हारे को मार्च का ओपनिंग कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1100, तो यहां पर तुम्हारे पास कितना बच गया 1200। अब तुम्हारे को लास्ट फोर्थ मंथ का निकालना है प्रोडक्शन कितना हुआ, तो फोर्थ मंथ में देखो सेल्स कितनी दी हुई है तुम्हारे पास में, यहाँ पर दी हुई है 4000, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं 4000 प्लस करना है हमें क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है कितना 900, ये तुमने लिखे यहाँ पर 900 कितना हो गया 4900। अब मार्च मंथ का क्लोजिंग, तो अप्रैल मंथ का कौन सा होगा ओपनिंग, तो मार्च मंथ का क्लोजिंग कितना है तुम्हारे लिए 300, तो अप्रैल मंथ का ओपनिंग कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए 300, तो यहां पर कितना बच गया 4600, यानी कि तुम्हारे पास आंसर आ गया प्रोडक्शन जैन मंथ में से कितना करना है 3100, फेब मंथ में करना है 5600, मार्च मंथ में करना है 1200 और अप्रैल मंथ में करना है 4600, ये तुम्हारा क्या हो गया प्रोडक्शन बजट और ये तुम्हारा क्या हो गया क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कल, वो करेंगे परचेस बजट, इसके आगे और बजट सेल बजट है वो डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।